Hello my dear student, welcome to my channel Query Solver. I'm your educator Suren Singh and today I'm going to teach you now tense. Student, आज हम बात करने वाले हैं आपके tense यानी कि present perfect continuous tense की. इससे पहले मैं already आपकी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने present tense के आपके 3 parts करा चुका हूँ. इसमें मैंने आपका simple present, present continuous और आपका present आपका परफेक्ट करा चुका स्टूडेंट. और आज की क्लास जो होने वाली है वो होगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम, और ये आपका पार्ट 4 है स्टूडेंट्स. तो प्लीज़ वीडियो आप फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेशन में आप उसको प्रॉब्लम को पूछ सकते हो और मैं उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा. और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो स्टूडेंट बात करें हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की. इसमें आपके आपका प्रेजेंट भी आया है और आपका कंटिन्यूस परफेक्ट, तीनों को इनका सबका एक कम्बानेशन होता है. एक तरीके से हम बात करें स्टूडेंट इसमें इसका यूज हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं स्टूडेंट कुछ समय पूर्व से लगातार जारी हैं एवं अभी तक आपके वो काम पूरे नहीं हैं. इसका मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि हमने इसका यूज ऐसे टेंस में करेंगे कोई भी आपका जो वर्क है यानी आपका कोई भी एक्शन है जो काम पहले से जारी है लेकिन अभी तक क्या है आपका वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है. वर्क इज नॉट डन नाउ इन प्रोग्रेस. तो यहाँ इसका यूज इस तरीके से करेंगे. तो यहाँ आपका बताया एग्जाम्पल के थ्रू हम बड़े आसानी से समझेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. जैसे यहाँ बताया गया ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने ही यूज़ किया है, ही के अकॉर्डिंग हमने हैज़ यूज़ किया है और आपका प्लेइंग ING फॉर्म और फॉर 2 आवर्स. तो यहाँ मैंने ही के साथ हैज़ क्यों यूज़ किया है स्टूडेंट. इससे पहले जब मैंने आपका परफेक्ट कराया था तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि हम हैज़ का और आपका हैव का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट. हैज़ का यूज़ जो हम करते हैं स्टूडेंट आपका सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट होता है और आपका थर्ड पर्सन होता है ही से इट, और आपका जो नाउन होता है इन पर्सन प्लेस थिंग की कहीं बात की जाती है स्टूडेंट वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं. उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ हैज़ की. इसमें आपका ये बीन बढ़ गया स्टूडेंट. और क्योंकि हम यहाँ कंटिन्यूस की बात करें तो इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर ING फॉर्म का यूज़ किया है. अब बात आई स्टूडेंट आपकी यहाँ पर फॉर, हम फॉर का यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट के. फॉर क्या होता है, ये आपका एक अनसर्टेन आपका अनडिफाइंड आपका जो हम बोलें कि ड्यूरेशन जो होता है स्टूडेंट उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. और जनरली जो इसका जो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको पहचान करनी हो कि हमें कैसे पहचान करेंगे तो उनके लिए स्टूडेंट इनके लास्ट में आपका रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे है या रहिए, ये शब्द आपको इनके लास्ट में देखने को मिल जाएंगे. जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर के वह 2 घंटे से खेल रहा है. ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. यहाँ स्टूडेंट आपका बड़ा डिफरेंस है. देखो यहाँ आप कहोगे सर ने यहाँ फॉर यूज़ किया और यहाँ सिंस यूज़ किया स्टूडेंट. जब हम स्टूडेंट बात करते हैं आपकी अनसर्टेन टाइम की तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, और अगर आपका कोई सर्टेन टाइम है यानी कोई निश्चित समय की बात कर रहा है तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट. यहाँ बताया है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है लेकिन यहाँ बताया ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, तो वह 2 बजे से खेल रहा है. तो यहाँ स्टूडेंट हमें अनसर्टेन है कि वो कौन से 2 घंटों से खेल रहा है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है. लेकिन यहाँ हमें पता है कि वो 2 बजे से खेल रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है. और सिंस का और फॉर का जो भी आपका डाउट है मैं आगे क्लियर करूँगा इसको. दे हैव बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यहाँ दे के अकॉर्डिंग मैंने जब आपका परफेक्ट कराया था तो मैंने बताया था कि जो भी आपका आई है और आपका यू है और आपकी जो प्लोरल आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. तो इसी के अकॉर्डिंग हमने हैव यूज़ किया. इसमें आपका बीन ऐड किया, बीन क्यों ऐड किया वो मैं आपको बताऊँगा. और यहाँ ING फॉर्म किया है सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सिंस का फंडा जो है वो भी बताऊँगा स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं जनरली स्टूडेंट इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होता है. आपका जो हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट. हम सब्जेक्ट हैज़ हैव और बीन, उसके बाद हम ING फॉर्म यानी हम जीरेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपका. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और सिंस और फॉर स्टूडेंट्स. तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट कि इसमें आपका परफेक्ट का जो फंडा आ रहा था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब बात आती है स्टूडेंट कंटिन्यूस. अब आप ये कहोगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आप यहाँ आ रहा था कि रहा है, रही हूँ, रहे हैं, और लेकिन अब ये तो यहाँ भी आ रहा है सर रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं. तो स्टूडेंट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग,
तो यहाँ मैंने क्या बोला है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट जो आपका कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये डिफाइन नहीं किया जाता है कि उसमें टाइम आपका मैनेज नहीं किया जाता है कि आप किस टाइम से आप जो वर्क कर रहे हो उसका कोई भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्टूडेंट आपका टाइम दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया आपका, अगर ये यहाँ तक होता कि ही आपका ही इज़ प्लेइंग, या मान लीजिए हैज़ बीन नहीं होता, ही इज़ प्लेइंग तो आपका कंटिन्यूस होता, लेकिन यहाँ मैंने हैज़ बीन लगा दिया और यहाँ आपका टाइम मैनेज किया। तो स्टूडेंट आपका जो कंटिन्यूस होता है आपका सिंपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट, उसमें आपका टाइम मैनेज, आपके टाइम के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट, उसमें आपके टाइम का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। जब अब बात आई स्टूडेंट आपका कि हम सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे और आपका फॉर का, अब यहाँ बोला है उसने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, दोनों के लिए हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिंस का जो यूज़ होता है वो स्टूडेंट आपका होता है निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम सिंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपका समय के लिए, कोई भी आपका फिक्स टाइम दिया गया है आपकी, हम किसी भी मंथ के बारे में बात करते हैं जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, या हम बात करें नेम ऑफ आपकी ईयर्स की जैसे आपका सिंस 2020, 1918, या हम बात करें आपकी सिंस आपका आपका कोई भी आपका पार्ट पॉइंट ऑफ डे जैसे सिंस मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इस तरीके से तो आप सिंस का यूज़ उनके साथ भी कर सकते हैं स्टूडेंट। या हम बात करें सिंस ओ क्लॉक ए एम या पी एम की जैसे सिंस 7 PM, सिंस 7:30 PM, या हम कहें सिंस 5 o'clock इस तरीके से। या हम बात करें स्टूडेंट आपका ईयर की, या हम बात करें सेंचुरीज की तो वहाँ भी आप सिंस का यूज़ कर सकते हो। या हम बोले नेम ऑफ सीजन जैसे सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑस्टोडम। या हम बात करें नेम ऑफ फेस्टिवल जैसे सिंस आपका दिवाली है, सिंस ईद है, सिंस होली है। या हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका नेम ऑफ इवेंट की जैसे सिंस हिज डिपार्चर या सिंस हिज बर्थ। यहाँ बात की जाती है स्टूडेंट किसी की स्टेज के बारे में बोला जाए, स्टेज ऑफ वंस लाइफ कहीं भी बात की जाती है, जैसे हम बोले सिंस हिज चाइल्डहुड तो आप यहाँ सिंस का चाइल्डहुड के साथ यूज कर सकते हो स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हम सिंस का यूज़ करते हैं आपके। अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं अब आपके फॉर की, हम फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि आपके अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है आपके ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन क्या होता है स्टूडेंट, आपका कोई भी न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या बताए थे मैंने आपको, बताया था जैसे कि हम आपका 1, 2, 3 इस तरीके से बताए थे, उनके साथ अगर हम कोई भी मिनट यूज़ करते हैं तो 4:30 मिनट, 4:02 मिनट इस तरीके से। ठीक है, आपके आवर्स हैं, डेज हैं, वीक है आपका स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो आपका अनिश्चित समय होता है उसके साथ हम आपके फॉर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम आपके नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका नेगेटिव जो आपको बनाना हो या आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे स्टूडेंट। नेगेटिव का जो स्टूडेंट आपके स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव और नॉट, उसके बाद बीन और आपकी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका टाइम के लिए सिंस या आपका फॉर और एक्स्ट्रा जो भी कुछ भी आपका बचता है वो। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ क्या होता है, जिससे पहले जो आपने परफेक्ट किया था या आपका सिंपल प्रेजेंट किया था वहाँ हम नॉट का अगर यूज़ करते हैं स्टूडेंट तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखते थे, लेकिन यहाँ आपकी जो पेयर में दी गई आपकी तरह से हैज़ बीन है या हैव बीन है तो यहाँ आगे और भी वर्ब आएंगी आपकी सेल हैव बीन है या इस तरीके से, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम इनके बीच में नॉट को रखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव आपका फंडा पता ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे रखते हैं, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब बची कुछ इसमें बीन है, आपका जेरंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर और इस तरीके से क्वेश्चन टैग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम क्वेश्चन टैग की बात करेंगे इंट्रोगेटिव की तो वहाँ हमें क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना होता है, या ऐसे आपका अफर्मेटिव है स्टूडेंट, एन से नेगेटिव और आई से आपका स्टूडेंट नेगेटिव है। तो यहाँ मैंने बताया कि आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, तो स्टूडेंट यहाँ हैव बीन जो यूज़ किया था ये यूज़ किया था स्टूडेंट आपका फर्स्ट पर्सन और आपके सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए, और आपके जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट जैसे कि आई, यू और दे और आपके जो एक्स्ट्रा जो होते हैं इस तरीके से जो प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं तो उनके साथ हम आपके हैव बीन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने हैव बीन का यूज़ किया गया है, उसके बाद आपकी जेरंड फॉर्म यूज़ की गई और आपके फॉर 2 आवर्स। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट कि हम कोई भी आपका जो न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव होता है और उसके बाद आपके आवर है, मिनट है, आपके वीक है, डे है, या फिर हम कहें ईयर है या डेडिकेट्स है या सेंचुरीज है तो वहाँ पर स्टूडेंट उसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ फॉर का यूज़ किया है। तो ये आपका राइट है, यहाँ आई हैव नॉट बीन स्विमिंग। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट कि हम सब्जेक्ट लेते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब है, अगर हैज़
है तो है जाएगा, हैव है तो हैव आएगा, उसके बीच में आप स्टूडेंट नॉट को मेंशन करेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद जी एन फॉर्म है और उसके बाद फॉर है और जो आपका एक्स्ट्रा जो दिया गया है आपका इस तरीके से यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाया है कि हैव आई बीन स्विमिंग फॉर टू आवर, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट आपका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेके आना है और जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और बच्ची कुछ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव बीन है या इस तरीके से, तो हैव के बाद आपकी बीन है तो यहाँ सब्जेक्ट आपको बीच में मेंशन करना है, उसके बाद जी एन फॉर्म और जैसे ही आपका सेंटेंस दिया गया उसको ऐसे उतार देंगे और उसके बाद हम स्टूडेंट क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एग्जांपल में बताया गया इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ इट के साथ हमने हैज़ क्यों यूज़ किया स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बताया है कि आपका जो भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में होता है और आपके थर्ड पर्सन में होता है ही सी इट या कोई सिंगुलर नाम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर उसके साथ स्टूडेंट हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और आपकी जेरेंड फॉर्म यूज़ किया है। सिंस मॉर्निंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंस मॉर्निंग मंडे आपका डे है कोई भी, या आप टाइम की बात कर रहे होते हैं या विंटर की या हम सीजन की बात कर रहे हो तो वहाँ पर स्टूडेंट हमने सिंस का यूज़ करना भी आपको बताया था। तो यहाँ इसका हमने नेगेटिव बनाया इट हैज़ नॉट बीन, तो नॉट को कहाँ मेंशन करना है स्टूडेंट आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखना है और आपको आई एन जी फॉर्म लगाना है और सिंस जो कुछ भी आपका सेंटेंस है उसको उतार देना है ऐसे सेम। इंट्रोगेटिव में आपको स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है और सब्जेक्ट को उसके बीच में रखना है यहाँ पर इस तरीके से और आपका जी एन फॉर्म सिंस मॉर्निंग और आपका क्वेश्चन टैग का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक अगर आपको सेंटेंस बनाना होगा तो उसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका हैज़ हैव, उसके बाद हमको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है स्टूडेंट, उसके बाद नॉट है आपका और उसका बीन है, उसके बाद आपकी बी फॉर्म यानी आई एन जी जीरन फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और आपके टाइम मैनेज के लिए आप सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं और बाकी जो आपका बच्चा कुचा आपका कॉम्प्लीमेंट वगैरह है या अदर वर्ड्स हैं स्टूडेंट तो उनके बाद लगाना, उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हैज़ ये आपका एक तो इस तरीके से आप बना सकते, एक ये आपके शॉर्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट के हैज़ नॉट को हमने एक साथ यहाँ पर हैज़ नॉट बना दिया और हैव नॉट बना दिया, उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन किया है आपका वीन है उसके बाद आई एन जी फॉर्म और जैसे कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट है या सिंस मॉर्निंग है उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बड़े आसानी से, यहाँ अफर्मेटिव दिया गया आपका ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट वह दो घंटे से क्या है वो खेल रहा है लेकिन यहाँ वो कौन से दो घंटों से खेल रहा है ये नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर अनसर्टेन टाइम है स्टूडेंट इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है स्टूडेंट आपका। और यहाँ पर हमने इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया है स्टूडेंट, तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है उसके बाद हमें सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के पास में आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉट को रखना है, उसके बाद आपका बीन है आई एन जी फॉर्म में और आपका जो सेंटेंस में दिया गया है जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम को लिखना है और आपको क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। उसका दूसरा तरीका है उससे बनाया है आपका शॉर्ट फॉर्म में हैजंट नॉट का और हैव नॉट का, यहाँ पर हैजंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को और हैव नॉट को स्टूडेंट हम हैव नॉट बोलते हैं, तो यहाँ हैज़ बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है विद नेगेटिव के साथ, यहाँ एक में आपका शामिल कर दिया गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन किया, उसके बाद आपकी जो बच्ची कुछ हेल्पिंग वर्ब उसको लिया है, उसके बाद जो है फॉर्म और आपका टाइम और आपका क्वेश्चन टैग इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल में यहाँ स्टूडेंट हमने दे यूज़ किया, ये आपका क्या स्टूडेंट आपका ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैव बीन का यूज़ किया स्टूडेंट्स, यहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था आपका ही तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ किया था, यहाँ आपका दे है तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आपका हैव बीन यूज़ किया है और यहाँ पर हमने जी एन फॉर्म है उसके बाद आपका मेक इन हुई सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ आपका एक फिक्स टाइम है ये मैंने अभी आपको बताया था हम सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं, तो सिंस का मॉर्निंग के साथ इवनिंग के साथ आफ्टरनून है तो उनके साथ स्टूडेंट हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को स्टूडेंट पहले लेके आना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट को लेना है और आपका जो भी सेंटेंस दिया गया है मेकिंग ए नॉइस सिंस मॉर्निंग, उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग लगाना, आप उन्होंने नहीं बोल जाना, ऐसा नहीं कि आपने टेंस बनाया या सेंटेंस आपने बाकी को बनाया इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया स्टूडेंट तो आप क्वेश्चन टैग नहीं लगाते तो स्टूडेंट आपका वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन टैग का भी यूज़ कंपलसरी इंट्रोगेटिंग में। यहाँ बताया गया इसी का शॉर्ट फॉर्म से बनाया गया है हैवंट, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट, उसके बाद बीन और मेकिंग ए नॉइस सिंस मॉर्निंग और आपका क्वेश्चन टैग। तो आज की वीडियो को रखते हैं स्टूडेंट यहीं तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.